आप अगर किसी मंदिर में जाएंगे, मंदिर का मतलब है जहां मन के दुख दूर होते हैं। पुराने पाली के समय में मंदिर वो जगह होती है जहां आदमी विपसना साधना करता है और उसके मन के जो दर्द हैं और दुख हैं उनको दूर करता है, उस स्थान को मंदिर बोलते हैं। तो आप अगर किसी मंदिर में जाके और वहां अगर आप श्री पाद देखें, श्री माने होता है मुख्य और पाद माने होता है पैरों के निशान, या पाद माने होता है जो भगवान बुद्ध ने जो रास्ता बताया है उसके वर्सेस या उसके दोहे या उसके छंद या उसके पद या उसका स्टेंजा या वो जो लिखी हुई बातें हैं चौपाई में हैं या आयत में हैं या किसी भी रूप में हैं, यानी जो लिखा हुआ है उनको भी पद कहते हैं, जो बोला जाता है वो भी पद हैं। और पद चिन्ह इसलिए बोलते हैं उनको क्योंकि जो रास्ता उन्होंने बताया है वो बेसिकली बोल के उन्होंने बताया है, बातों में बताया है, तो उस रास्ते को भी पद बोलते हैं। ये पद चिन्ह है, ये पद मार्ग है, यानी कि अगर उनकी किताब में कोई बात लिखी हुई है तो कहते हैं ये भगवान बुद्ध के पद चिन्ह है या पद मार्ग है। वैसे जो जो पैर हैं उनके लिए नहीं है, मगर चिन्ह के रूप में, निशान के रूप में, क्योंकि निशान को और चिन्ह को पाली भाषा में लिंग कहते हैं, इसलिए लिंग के रूप में वो जगह जगह मंदिर के अंदर दो पैर बनाए जाते हैं और पैरों के निशान बना के उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, उल्टा भी और सीधा भी। उल्टा इसलिए क्योंकि अगर उल्टा चलेगा तो आपके दुख दर्द दूर होंगे। ये स्वास्तिक का जो चिन्ह है ये चार आर्य सत्य को बताता है, तो चार आर्य सत्य जब सीधे चलते हैं तो दुख आता है और अगर जब उल्टे चलते हैं तो दुख जाता है। कहीं आता जाता वैसा नहीं है क्योंकि इसका सिद्धांत है नीचे से ऊपर का, अलोम का और विलोम का, जो बुद्ध ने बताया है तो उसी के आधार पर इसका चिन्ह बना दिया है। बुद्ध ने नहीं बनाया चिन्ह, चिन्ह बाद में हमारे जैसे लोग जो चिन्हों की भाषा बोलते थे या समझते थे या दूसरी भाषा में जो लोग नहीं समझ पाते थे तो उनको समझाने के लिए या बच्चों को समझाने के लिए चित्र बनाए जाते थे, आम आदमी को समझाने के लिए चित्र बनाए जाते थे कि ये चार बातें हैं, ये चार बातें अगर सीधी चलेंगी तो आपको नुकसान होगा, चार बातें अगर इनको आप उलट दोगे तो आपको लाभ होगा, चार बिंदु इनके बीच में इसका मतलब ठहरे हुए हैं जो आर्य सत्य हैं, जो स्वास्थ्य चिन्ह है, ना राइट चरा है ना लेफ्ट चरा है, ऐसे करके उनको बताया जाता था। उसमें धम्म चक्र भी होता है, किसी में 8 आर्य होते हैं, किसी में 24 आर्य होते हैं, किसी में 12 आर्य होते हैं, किसी में 32 आर्य होते हैं, तो वो आर्य वाला भी उनके जन्म से या उनके प्रकृति समझपात से या जो अष्टांगिक मार्ग है उनसे संबंधित वो आर्य इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा वहां पे एक त्रिशूल होता है, त्रिशूल का मतलब है तीन शूल होते हैं, तीन शूल जैसे तीन सुई सी होती है जिसको त्रिशूल भी बोलते हैं, वो जो होता है और उसके नीचे एक डंडा होता है जिसको कहते हैं कि ये बोधि है, ये पूरा बोधि लाभ है और बोधि लाभ तीन अंगों पर टिका हुआ है, धम्म पे, संघ पे और बुद्ध पे। तो धम्म और संघ और बुद्ध के तीन त्रिशूल अलग से निकले होते हैं जिनको बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि है, जैसा कि आप यहाँ चित्र के अंदर ये त्रिशूल देख रहे हैं। त्रिशूल बोलते हैं वैसे इसको, तीन सूत्र भी बोलते हैं, त्रिसूत्र से त्रिसूत्र बना, त्रिसूत्र से त्रिशूल बन गया, तीन शील बन गए, इस तरह से ये त्रिसूत्र के नाम से, त्रिशूल के नाम से फेमस हो गए। तो जो पैर हैं, जो श्रीपाद हैं, श्रीपाद का मतलब है जो मुख्य बातें हैं, श्रीपाद का मतलब ये नहीं है कि उनके मुख्य पैर हैं, क्योंकि कोई अनुयायी ऐसा हो सकता है कि ये सोचे कि बुद्ध के पैर हैं और पैरों में पड़ जाएगा कुछ मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि मुझे देखना हो तो धम्म को देखना, पैरों तो हमने बाद में पैर जब चूंकि जब पत्थर आ गए और पत्थर को छीलने के लिए छेनी तो पत्थरों पे चित्रकारी होने लगी, मूर्तियां बनने लगी और उनके बताए हुए मार्ग को पैरों से यानी उनके पद से चिन्ह करके दिखाया गया, वो लिंक करके दिखाया गया। तो हर एक मंदिर में आपको घुसते ही सबसे पहले दो पैर मिलेंगे और उन दोनों पैरों पे ये आकृतियां मिलेंगी। इसका मतलब है कि यहाँ बुद्ध की जो शिक्षा है, जो बुद्ध का जितना ज्ञान है वो यहाँ बताया जाता रहा है या है या होगा, यानी कि बहुत पहले कभी बताया गया होगा या अभी बताया जाता है। लोग आते हैं और उन पैरों पे चिन्हों पे अपना कुछ ना कुछ चढ़ा के अपनी श्रद्धा व्यक्त करके चले जाते हैं, उनको ये पता नहीं कि ये पैर हैं किसके और क्या चीज़ है, क्योंकि इसके ऊपर जो दो लाइनें लिखी हुई हैं और जो दो लाइनें यहाँ जो धम्म लिपि में हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये वर्ण गंध गुणोपेतंग ऐतंग कुसुम सत्ती पूजयामी मुनिंदस्य श्रीपाद सरोरुहे, वर्ण गंध गुणोपेतंग एवं कुसुम सतंति, संतति का मतलब है शांति करता है, क्या शांति करता है, फूल करता है, कुसुम माने कमल का फूल करता है, कैसे करता है, जैसे उसका वर्ण माने होता है रंग और गंध माने होता है उस कुसुम की फूल की खुशबू और गुणेति माने होता है जो उसके गुण हैं, यानी जो कमल के जो गुण हैं,
जो उसका रंग है, जो उसकी गंध है और जो उसकी गुण है, जैसे वो शांति करता है, ऐसे ही शांति क्या करते हैं, पूजयामी मुनिन्द्रस्य श्रीपादं सरोरुहे, यानी कि सरोरुहे बोलते हैं कमल की तरह, बुराई जैसे कमल कीचड़ से बाहर निकलता है, बुराई से बाहर निकलता है, ऐसे ही पूजयामी यानी कि मैं मानता हूं, सम्मान देता हूं, उसकी प्रैक्टिस करता हूं। पूजयामी का मतलब ये होता है मुनिन्द्रस्य, मुनिन्द्रस्य माने भगवान बुद्ध को मुनि बोलते हैं, मुनिवर भी बोलते हैं, यानी कि मुनियों में श्रेष्ठ बोलते हैं और मुनि भी बोलते हैं। मुनिस्य का मतलब है कि मुनि के। श्रीपाद माने रास्ते को, श्रीपाद माने जो सबसे ऊंचा रास्ता है, जो उनके पद चिन्ह है, जो उनका बताया मार्ग है, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे सरोरुहे, सरोरुहे का मतलब जैसे कीचड़ में कमल खिला हुआ है, यानी कि कीचड़ में कमल खिले हुए हैं, ऐसा उनका सबसे ऊंचा मार्ग है। मैं उसको मानता हूं, मैं उसको सम्मान से देखता हूं, मैं उसका अभ्यास करता हूं। ये जो पूजयामी का मतलब है, मैं करता हूं, मानता हूं, सम्मान। पूजयामी का मतलब ये नहीं है कि वहां फूल चढ़ाना है या धूप चढ़ाना है या अगरबत्ती चढ़ानी है या उसका चक्कर लगाना है या पानी चढ़ाना है या दूध चढ़ाना है या दही चढ़ाना है या शहद चढ़ाना है, उससे पत्थर का कुछ नहीं होने वाला है। और बुद्ध तो आने वाले हैं नहीं, वो तो मना करके गए हैं, मैं हूं, मुझे देखना है तो धम्म को देखना, मैं नहीं आने वाला। तो वहां पत्थरों में कुछ नहीं आने वाला, वो सिर्फ पत्थर एक सिंबल है ये बताने के लिए कि ये बुद्ध का बताया हुआ रास्ता है, ये बुद्ध के बताए हुए चिन्ह है, इन पैरों पर चलोगे, इस रास्ते पर चलोगे, जैसे बुद्ध चले, जैसे सिद्धार्थ गौतम चले और बोधि प्राप्त कर गए, ऐसे ही जितना तुम चलोगे उतना रास्ते में तुम्हें प्राप्त होगा। चार दिन चलोगे तो चार दिन प्राप्त होगा, ज्यादा चलोगे तो सोतापन्न हो जाओगे, और ज्यादा चलोगे तो सकदागामी हो जाओगे, और आगे चलोगे तो अनागारिक हो जाओगे, और ज्यादा चलोगे तो अनागामी हो जाओगे, और ज्यादा चलोगे तो आप अर्हत हो जाओगे, और ज्यादा चलोगे तो बोधिसत्व हो जाओगे, और ज्यादा चलोगे तो पच्चेक बुद्ध हो जाओगे, और ज्यादा चलोगे तो बुद्ध हो जाओगे, और ज्यादा चलोगे तो सम्यक संबुद्ध हो जाओगे। मतलब आप रास्ते पे चलते रहिए, आपको बोधि प्राप्त हो जाएगी, ये पद चिन्ह ऐसा बताते हैं। वो रास्ता सारा भगवान बुद्ध ने सब कुछ सिखाया है, विपस्सना साधना में पहले सिखाया बाद में बताया, और वो लगातार 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 एक दूसरे से, गुरु एक को बताता है, एक भिक्खु दूसरे को बताता है, दूसरा भिक्खु तीसरे को बताता है, और वो ऐसा का ऐसा आज की डेट में भी है। और आप तो आपको विपस्सना साधना मिल गई है, इसलिए कहीं आप मंदिर में जाएं या कहीं आप भगवान बुद्ध के चरण देखें और वहां दो स्वास्तिक चिन्ह देखें, धम्मचक्र देखें, त्रिशूल देखें बना हुआ, पैर देखें, और वहां अगर कुछ धम्मलिपि में लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब पैरों में नहीं जाना है, उस मार्ग को ढूंढना है जो मार्ग भगवान बुद्ध ने दिया है। मार्ग ही सब कुछ है, पत्थर में और पैरों में कुछ नहीं है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।